इन द प्रीवियस लेक्चर हम लोगों ने बात की थी वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन क्या होती है और किस तरह से सॉल्यूशन किया जाता है फॉर दिस पर्टिकुलर इक्वेशन यूजिंग मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल लेक्चर हम बात करने वाले हैं प्रॉब्लम किस तरह से इस इक्वेशन में बनती है जहां पे हमें इस इक्वेशन का यूज करना है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ टेम्परेचर तो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड इस लेक्चर में प्रॉब्लम ही डिस्कस करूंगा और अगर लास्ट लेक्चर की बात करूं तो हमने जो सोल्यूशन वहां पर ड्राइव किया था उसमें कोई कंडीशन अप्लाई नहीं करी सो so, मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन में ही दिखाने वाला हूं किस तरह से प्रॉब्लम में ही कंडीशन आपको गिवन आते हैं और आपको किस तरह से कंडीशन अप्लाई करके वी विल फाइंड द फाइनल सोल्यूशन तो चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस प्रॉब्लम ऑन डायमेंशनल हीट इक्वेशन। सो so, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वी right, तो है ठीक तो अगर हम इसे एक्स एक्सिस मानते दिस इज बेसिकली एक्स इक्वल टू जीरो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे हो जाएगा एक्स इक्वल टू एल राइट right? और एक कंडीशन कंडीशन जो आपको यहां पे दी गई वो कहता है कि इनिशियली यूनिफॉर्म टेम्परेचर म्यू नॉट यानी कि अगर मैं की बात करूं तो इनिशियल का मतलब क्या होगा कि वेन इनिशियल टेम्परेचर एक्स एक्स बट एट जीरो टाइम जो जीरो होगा इनिशियल मतलब जब टाइम जीरो है उस कंडीशन पे जो आपकी कंडीशन है दिस इज इक्वल टू जीरो राइट right? यहां पे कंफ्यूज मत होइएगा कि इनिशियल टेम्परेचर का मतलब एक्स भी जीरो है इनिशियल का मतलब यहां पे एक्स जीरो नहीं है एंड की बात नहीं कर रहा वो कह रहा है कि एक रॉड पे इनिशियली टेम्परेचर नॉट है तो इसका मतलब जब टाइम जीरो है उस टाइम पे टेम्परेचर नॉट है राइट right? उसके आगे अगर आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो यहां लिखा है इट्स एंड्स आर सडनली कूल टू जीरो डिग्री सेल्सियस यानी ये जो दोनों एंड्स हैं ये एंड आपके कहां पहुंचा दिए उसने जीरो डिग्री सेल्सियस पे डेट मींस क्या हुआ कि कंडीशन हमारी क्या बनी यू व्हेन एक्स इज इक्वल टू जीरो एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो एंड यू एट एक्स इज इक्वल टू एल कॉमा टी इज इक्वल टू जीरो बोथ कंडीशन आपकी बन गई कि दोनों एंड क्योंकि हमारे जीरो डिग्री सेल्सियस पे हैं तो जब एक्स जीरो होगा और जब एक्स एल होगा दोनों ही कंडीशन में हमारा टेम्परेचर क्या है दोनों ही कंडीशन में हमारा टेम्परेचर जीरो है राइट एंड आर कैप्ट एट दैट देशर तो ये टेम्परेचर मेंटेन रहता है तो दीज आर बेसिकली कॉल्ड योर कंडीशंस राइट right? तो क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ही हमें समझ में आएगा कि क्या कंडीशंस गिवन है और यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो मेनली आपको मिलेगा वो ये वाली बाउंड्री कंडीशन मोस्ट ऑफ द टाइम ही मिलती है कि आपके दोनों दोनों एंड्स एंड्स पे पे हैं पे हैं डिग्री सेल्सियस जैसे हमने वेव इक्वेशन करी थी वहां दोनों एंड फ्रीज होने की वजह से दो कंडीशन मिल जाती थी यहां पे भी दोनों एंड्स आपके जीरो डिग्री सेल्सियस पे होने की वजह से हमें दो कंडीशन मिल जाती है बाउंड्री कंडीशन जिनको हम किस पे अप्लाई करेंगे अपने हीट इक्वेशन के सॉल्यूशन पे और वो क्या है वो हम ऑलरेडी ड्राइव कर चुके हैं तो यहां जब ये क्वेश्चन आप पेपर में अटैम्प करोगे तो आप सबसे पहले वहीं से स्टार्ट करोगे कि व्हाट इज अवर हीट इक्वेशन एंड हीट इक्वेशन का सॉल्यूशन वही तीन पार्ट लेट करते हुए कि पहले पी स्क्वायर फिर माइनस पी स्क्वायर देन जीरो और उसमें से हम ये सोल्यूशन को सिलेक्ट करते हैं तो इतना पार्ट आपको करके लाना ही लाना है और ये सोल्यूशन हमने लास्ट लेक्चर में ड्राइव किया था और जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बोला था कि इस सोल्यूशन में हमने टी पहले लिया था अगर हम एक्स को पहले ले लें

कंडीशन so कहती है एक्स इज इक्वल टू जीरो तो अगर मैं इस सॉल्यूशन में एक्स को जीरो पुट करता हूं तो यू जीरो कॉमा टी इज़ इक्वल आपने एक्स को जीरो रखा है तो कॉस जीरो का मतलब वन दैट इज सी वन और साइन जीरो का मतलब जीरो होता है तो सी टू आपका खत्म हो गया तो ये बच गया सी वन इंटू सी थ्री दी पावर सी स्क्वायर पी स्क्वायर एंड टी राइट नाउ इज इक्वल टू सी वन सी थ्री पावर माइनस सी स्क्वायर पी स्क्र टी तो यहां से कौन सा एलिमेंट जीरो होगा यहां से कौन सा पैरामीटर जीरो होगा जी हाँ अब यहां पर सी थ्री जीरो नहीं हो सकता बिकॉज C3 होने की जीरो होने की वजह से सारी इक्वेशन का सोल्यूशन जीरो हो जाएगा E to the पावर भी जीरो नहीं हो सकता बिकॉज अगर ये पार्ट जीरो तब भी सोल्यूशन जीरो तो और ऑल्सो ई टू दावर माइनस सी स्क्वायर पी स्क्वायटी नॉट इक्वल टू जीरो बिकॉज ये दोनों जीरो नहीं हो सकते इसलिए सी वन जीरो है तो ये यहां सेक्वल टू जीरो इन दिस सोल्यूशन तो रिड्यूस क्या हो जाएगा ये वाला पार्ट आपका खत्म हो जाएगा तो हमारे पास क्या रिडक्शन बचेगा सी टू सी थ्री साइन पी एक्स power दावर माइनस सी स्क्वायर पी स्क्वायर टी यानी कि वी गॉट दिस रिड्यूस सोल्यूशन राइट सो आफ्टर अपलाइंग द फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन वी गॉट दिस सोलूशन रिडक्शन राइट अब इसी तरह से अब की बार एक्स की जगह एल पुट कर दू तो ये फंक्शन तब भी जीरो बनेगा इन यू ऑफ एल कॉमा टी जिसके वैल्यू में जीरो गिवन है इज इक्वल टू सी टू सी थ्री एज इट इज रहना है हमें एक्स की जगह वैल्यू प्लेस करनी है ये हो गया पी और ये हो गया e टू दि पा माइनस c स्क्वायर p स्क्वायर t अगेन देखें तो यहां पे ना तो C2 टू जीरो हो सकता बिकॉज उसकी कंप्लीट सोल्यूशन जीरो हो रहा है। ना C3 थ्री जीरो हो सकता ना एक्सपोनशियल टर्म जीरो हो सकती तो कौन सा टर्म जीरो होगा जी हाँ, केवल और केवल ये एक टर्म है जिसको हम जीरो कर सकते हैं तो फिर से आप यहाँ पे लिखेंगे सेंस c2 टू नॉट इक्वल टू जीरो सी थ्री नॉट इक्वल टू जीरो इट इज दावर सी स्क्वायर पी स्क्वायर टी नॉट इक्वल टू जीरो तो यहां पे जीरो कौन होगा तो ए फोर जीरो होगा साइन पी एल इज इक्वल टू जीरो और जीरो वैल्यू होती है साइन ऑफ एन पाई की यानी यहां से पी की वैल्यू क्या हो जाएगी पी की वैल्यू हो जाएगी एन पाई बाय एल तो अगर मैं की वैल्यू को पे प्लेस कर दूंगा क्या हो जाएगा सोल्यूशन हो जाएगा सी टू सी थ्री सोल्यूशन एन पा एक्स बाइट एंडर माइनस सी स्क्र पी स्क्त सोल्यूशन अप्लाइंग द सेकेंड बाउंड्री कंडीशन रिमेंबर ऑफ द वे इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ा था सी टू और सी लेट कर लेते हैं राइट right? और अगर से बी एन कर दे तो हम इसे मोर जनरलाइज फॉर्म में लिख सकते हैं कि समेशन n इज इक्वल टू वन टू इनफिनिटी बी एन साइन ऑफ n पाई x बाई एल इन टू द पावर इसकी जगह भी वैल्यू प्लेस कर दीजिएगा p स्क्वायर की जगह तो यहाँ पे हो गया n स्क्वायर पाई स्क्वायर बाय l स्क्वायर इन टू टी सो दिस इज द बेसिकली सोल्यूशन आफ्टर अप्लाइंग द टू बाउंड्री कंडीशन एंड विच आर दोज दिस इज बाउंड्री कंडीशन कि जब हमारा दोनों एंड्स क्योंकि जीरो डिग्री सेल्सियस पे हैं तो उनको अप्लाई करने के बाद ये जो इक्वेशन का सॉल्यूशन हमारा आया था हीट इक्वेशन का सॉल्यूशन ये हमारा बदल गया इस फॉर्म में तो अब ये तो सॉल्यूशन हो गया आफ्टर अप्लाइंग द बाउंड्री कंडीशन अब हमारे पास एक लास्ट कंडीशन बचती है दैट इज कॉल्ड द इनिशियल कंडीशन और इस इनिशियल कंडीशन को अब मैं यहां पे अप्लाई करूं तो इसका मतलब नाउ वी हैव टू पुट टी इज इक्वल टू 0 तो जैसे हम यहां पे टी इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये इक्वेशन हो जाएगी ux, 0 इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इनफिनिटी आपने t को 0 पुट किया यानी e टू पावर 0 क्या हो गया 1 तो यहां पे बच जाएगा bn sin ऑफ n πx एंड दिस वैल्यू यू एक्स को जीरो हमें यहाँ पे म्यूनॉट दिया गया है सो म्यूनोट इज इक्वल टू समन एन इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी बी एन साइन ऑफ एन पाए बाय एल

राइट right? तो चले बी एन को सोल्व करते हैं तो बी एन को सोल्व करने के लिए इंटीग्रेट करना है बट इंटीग्रेशन में दिस टाइम म्यू नॉट जो हमें म्यू नॉट दिया दिस इज इनिशियल टेम्परेचर दिस इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एक्स दिस इज अंस्टेंट वैल्यू सो दिस कैन बी रिटर्न ऑफ म्यू नॉट बाग्रेशन जो होगा वो केवल होगा साइन ऑफ एन पाई एक्स बाय एल का इंटीग्रेशन इंटीग्रेट करूं तो मुझे तो एल से एल कैंसल आउट हो जाएगा ये जो फैक्टर बन जाएगा 2 mu not by बाय बाहर है और जब मैं l प्लेस करूंगा तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ cos n पाई राइट right? और जब मैं लोअर लिमिट पुट करूंगा जीरो वाली तो कॉस जीरो क्या होता है वन लेकिन वो लोअर लिमिट है माइनस साइन के साथ तो ये हो जाएगा प्लस ऑफ वन और ये जो अपॉन में है दिस इज एन पाई बाय एल अगर इसे फर्दर सॉल्व करें तो इस एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा और ये इक्वेशन हम लिख सकते हैं दैट इज टू म्यू पाई एंड दिस कैन बी टन एज वन माइनस ऑफ एन पाई बर द वैल्यू ऑफ कॉस एन पाई जी हा, अगर n हाँ अगर एन की वैल्यू यहाँ पर जीरो होगी कॉस जीरो जीरो क्या होता है वन तो वन माइनस वन क्या हो जाएगा जीरो अगर एन की वैल्यू में टू लेकर चलू तो कॉस टू पाई क्या होता है वो भी वन होगा तो वन माइनस वन फिर जीरो हो जाएगा तो अगर हम एन की इवन वैल्यू लेके चलेंगे तो यहां में फंक्शन की वैल्यू क्या मिल रही है जीरो कब वेन एन ईवन लेकिन अगर मैं एन को ऑड रखता हूं लाइक वन थ्री फाइव तो अगर मैं यहां वन कंसिडर करता हूं तो दिस इज कॉस पाई और कॉस पाई होता है माइनस वन तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस वन तो ये आंसर रिकॉल हो जाएगा फोर म्यू नॉट ओवर एन पाई वेन एन इज ऑट राइट

डायरेक्टली लिमिट दे दी वन टू इनफिनिटी तो हम यहां पे भी एन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं टू एन माइनस वन से तो आप कोई भी दोनों में से सोल्यूशन लिख सकते हैं दोनों ही सही है बट रिमेंबर वन थिंग फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डू वट वी हैव टू डू द वेव इक्वेशन सोल्यूशन वेव इक्वेशन सोल्यूशन में अकॉर्डिंग टू द कंडीशन हमें अप्लाई करना है एंड देन वी हैव टू फाइंड द सोल्यूशन राइट फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने इस लेक्चर में रख रह रहा हूं एंड दिस इज द क्वेश्चन ओवर हियर। सो ये है प्रॉब्लम नंबर टू और इसमें भी सेम चीज है फाइंड द टेम्परेचर इन अ बार ऑफ लेंथ टू हुज आर एट देखिए मैंने सेम चीज आपको बोली थी ना कि ये जो एंड वाला चीज है यानी कि एक रॉड है उस रॉड के कितनी दी गई है एल इज इक्वल टू टू दिया गया और इसके जो दोनों एंड है इन दोनों एंड पे हमारा टेम्परेचर क्या है एक तरह से हमारा टेम्परेचर जीरो डिग्री है और जीरो डिग्री है यानी कि सेम बाउंड्री कंडीशन बन गई क्या कि u जब x जीरो है एट टाइम t या u जब x l है l कितना है टू है राइट तो टू को हमार टी इज इक्वल टू जीरो दीज आर द सेम बाउंड्री कंडीशन जो हमने अभी भी सोल्यूशन में अप्लाई करी थी तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू

थ्री जीरो नहीं हो सकता है टर्म जीरो नहीं हो सकती अदरवाइज कंप्लीट सोल्यूशन जीरो हो जाएगा तो C1 हमारा जीरो C1 को जीरो पुट कर देंगे इस बेसिक इक्वेशन में बेसिक सोल्यूशन में तो हमारा रिडक्शन हो जाता है इस रिडक्शन में अगर मैं सेकंड इक्वेशन कंडीशन पुट कर दूं दूर इक्वल टू टू यानी टू कॉमर टी तो यहाँ पे आपका एक्स की जगह टू हो गया तो डेट मीन साइन टू पी यानी जो हमारा ये वाला पार्ट बचेगा ये ही जीरो हो सकता है अदर देन कोई पार्ट जीरो नहीं हो सकता बिकॉज अगर कोई भी आप पार्ट जीरो करेंगे तो वो सोल्यूशन को जीरो कर देगा तो इन द सेम मैनर साइन टू पी इज इक्वल टू जीरो डॉट मीन साइन एन पाई तो यहां से हम किसके वैल्यू निकालते हैं एन पाई बाई टू तो पहला वाला क्वेश्चन

ये है तो अगर मैं इस इक्वेशन में t को जीरो पुट कर देता हूं तो हमारे पास यहां पे बनेगा यू एक्स कॉमा जीरो इज इक्वल टू समेशन एन इज इक्वल टू वन टू इनफिनिटी बी एन साइन ऑफ एन पाई एक्स बाय टू एंड सिंस दिस टाइम द इनिशियल टेम्परेचर इज इन द फॉर्म ऑफ साइन तो इफ यू रिमेंबर द वेव इक्वेशन लेक्चर हमने वहां पे भी किया था अब की बार हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे अब की बार हम इस राइट हैंड साइड को सिंपली

साइन थ्री पाई एक्स बाई टू भी नहीं है तो ये भी आपका जीरो हो गया बी फोर भी जीरो हो गया केवल एक कंपोनट है साइन फाइव पाई एक्स बाई टू का जिसका बी फाइव की वैल्यू होगी बी फाइव में वैल्यू क्या हो गई थ्री यानी की केवल हमने कंपैरिजन किया अब की बार जब हमें गिवन फंक्शन साइन की फॉर्म में होता है तो बहुत इजी होता है इस सोल्यूशन में पुट करना होता है तो जी हाँ हमारे पास केवल दो ही कोफिशियंट है एक वन और एक फाइव तो केवल अगर मैं यहाँ वन रखू तो ये हो जाएगा बी वन साइन ऑफ पाई एक्स बाई टू यानी बी वन की वैल्यू क्या होगी बी वन की वैल्यू वन तो यहाँ पे हो गया वन साइन पाइएक्स बाई टू तो यह आ गया आपका वन इंटू साइन पाएक्स बाई टू और उसके बाद e टू द पावर c स्क्वायर n स्क्वायर n स्क्वायर की जगह 1 तो हो गया c स्क्वायर पाई स्क्वायर t बाय 4 और दूसरी वैल्यू जब 2 रखेंगे तो b20 b30 b40 एक वैल्यू लाई करेगी b5 की जिसकी वैल्यू क्या है 3 तो यहाँ पे हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा sin पाई x बाय 2 और e टू द पावर माइनस c स्क्वायर यहाँ होता है n स्क्वायर तो n स्क्वायर की जगह 5 स्क्वायर दैट मींस 25 तो 25 c स्क्वायर पाई स्क्वायर t बाय 4 दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन राइट सो क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर मैनर में है अभी तक आप लोगों ने देखे हो वेव इक्वेशन पे भी क्वेश्चन बनता है हीट इक्वेशन पे भी क्वेश्चन बनता है और दोनों ही केस में अगर आपने एटलीस्ट सोल्यूशन कर लिया तो आपने सेवेंटी टू एट्टी परसेंट जो क्वेश्चन का सोल्यूशन है वो एज इट इज एक तरह से ड्राइव किया है उसके बाद केवल इनिशियल कंडीशंस को आपको चेंज करना है उसके बेस पे आपको फाइनल सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है एंड देन यू विल गेट द कंप्लीट सॉल्यूशन विद कंप्लीट मार्क्स सो विद दिस आपका लेक्चर होता है कंप्लीट हीट इक्वेशन इक्वेशन एंड वेव हम लोगों ने कंप्लीट कर ली बट नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस टू डायमेंशनल हीट इक्वेशन और उसमें आप देखेंगे डायमेंशन का क्या मतलब है राइट right? तो इसे जानने के लिए कि टू डायमेंशनल हीट इक्वेशन क्या है बने रहिए मेरे साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में थैंक यू